सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि एक इंसान जिसे पागल दिखाया गया है, पूरी तरह से साइकोपैथ कुछ भी बोल रहा है एंड उसकी बातों का कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है, वो इंसान पास्ट में जाके चंदेरी में वहां से चंदेरी पुराण के पन्नों को फाड़ देता है सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वज यानी कि सरगटे की एग्जिस्टेंस को छुपाने के लिए। क्या सच में ऐसा इंसान पागल हो सकता है? तो देखो, स्त्री 2 के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि किस तरह से चंदेरी के रक्षक मिलकर सरगटे राक्षस का अंत कर देते हैं, जिसमें उनका साथ देने के लिए इस बार जो हमारे भेड़िया भाई साहब भी मौजूद होते हैं। स्त्री मैडम भी अपनी कटी हुई चुटिया को लेके आती हैं एंड भाई हमारे विक्की प्लीज की जो मैडम है वो तो उनके साथ रहती हैं एंड उसी क्लाइमेक्स के अंदर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के द्वारा ये बात बताई जाती है कि जो स्त्री है वो उस श्रद्धा कपूर की माँ है। लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर वो स्त्री की बेटी है तो फिर बार बार स्त्री जो है उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? एंड इस सवाल का जवाब खुद श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने राजकुमार राव से कन्वर्सेशन के दौरान दिया है कि भाई जो उसकी माँ है उसे पहचानती है उसके बचपन वाले स्वरूप में, आई मीन कि वो बड़ी हो गई है उसकी बेटी, वो इस बात को जानती नहीं है और इसी वजह से बार बार जो है उस पर अटैक कर रही थी। एंड क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि जैसे श्रद्धा कपूर आगे खड़ी हो जाती है हमारे विक्की बाबू के, स्त्री मैडम रुक जाती है जब उसे माँ करके बुलाती है तो वो आती भी है। हालांकि इस कैरेक्टर के बारे में अभी भी ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग में है और सबसे बड़ी बात है कि ये कैरेक्टर जिस तरह का है मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑल तो ये जो है विक्की बाबू को कुछ भी बोल के लहंगा वहंगा सिलवा रही थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट में अचानक से गायब हो जाती है, ये तो खुद को बताती कि मैं भूतनी नहीं हूँ। एंड इस पार्ट में उसने बताया कि वो स्त्री की बेटी है तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि उसकी मौत कैसे हुई, वो उतने ही अपने जवानी वाले फॉर्म में कैसे है, उसे कैसे पता था कि राजकुमार राव यानी कि हमारा विक्की प्लीज जो है वही इस काम के लिए सबसे परफेक्ट आदमी है, वही इस तलवार को निकाल सकते हैं जिससे स्त्री ने लास्ट में सरगटे को मारा, उसे ये सारी चीजें कैसे पता थी। इस मामले में मेरी एक पर्सनल थ्योरी कि हो सकता है जो हमारे विक्की बाबू हों वो असल में स्त्री के ही खानदान से कोई ना कोई ताल्लुकात रखते हों, आई मीन उनकी माँ का कोई कनेक्शन हो स्त्री के साथ, एज लाइक कि जैसे सरगटे के एग्जिस्टेंस को लेके अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर आता है वो कहता है कि मैं उसका वंशज हूँ, तो हो सकता है कि विक्की जो है स्त्री का ही एक वंशज हो एंड इसी वजह से, क्योंकि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर काफी पुराना है, वो एक्चुअली में जिंदा भी नहीं है, वो क्या है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उसे एक्चुअली में पता था, तो इसी वजह से शायद श्रद्धा कपूर हमारे विक्की बाबू को ही चूज करती है इस चंदेरी की रक्षा करने के लिए या फिर स्त्री से लड़ने के लिए या फिर एट द क्लाइमैक्स तलवार को निकलवाने के लिए जिससे सरगटे का सर काटा गया था। इन सारी चीजों के अलावा एक और सबसे बड़ी मिस्ट्री है, वो है अक्षय कुमार के उस पागल टाइप के कैरेक्टर के बारे में। एज लाइक कि तुम्हें पता ही होगा कि जब चंदेरी के अंदर स्त्री चली जाती है सरगटे का आतंक आता है तो पंकज त्रिपाठी के पास कोई जो है एक पोस्ट कार्ड भेजता है एंड उस पोस्ट कार्ड में वो पन्ने होते हैं जो कि चंदेरी पुराण से काफी टाइम पहले फट चुके थे, जिसकी खोजबीन करते हुए जब हमारे चंदेरी के रक्षक जो है अक्षय कुमार के पास पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये जो बंदा है ये एक्चुअली में सरगटे का एक वंशज था एंड इसी बंदे ने कुछ टाइम पहले जो है चंदेरी पुराण के वो पन्ने फाड़ दिए थे जहाँ पर सरगटे की एग्जिस्टेंस की बातें लिखी हुई थी। अब इस कैरेक्टर के बारे में तुम कुछ चीजें नोटिस करो तो सबसे पहली बात कि इसने चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी बंदे को सरगटे के बारे में कुछ पता चले एंड आफ्टर दैट जब उसे पता चला कि स्त्री जा चुकी है किसी ने या फिर कुछ लोगों ने मिलकर कुछ लॉन्डर लपाटों ने मिलकर स्त्री को हराया है तो वह उन्हीं सेम लोगों के पास वो पन्ने भेजता है ये बताने के लिए कि सरगटा आ रहा है एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर पागल नहीं है बस लोगों को बना रहा था। इवन कि वो पागल खाने के अंदर रहता है शायद अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एंड इन लोगों को उस बंदे ने इसीलिए सरगटे की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लोग स्त्री को हरा सकते हैं तो वो सरगटे की उस जगह तक भी पहुंच सकते हैं जहां पर कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता है एंड उसे उसकी पावर्स का उन सारी चीजों का अच्छे से पता था एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर हमेशा से यही चाहता था कि सरगटा उसे मिले या फिर उसकी शक्तियां उसे मिल जाएं क्योंकि है तो वैसे भी उसका खानदानी तो सरगटे को बेबाई कोई ऐतराज नहीं हुआ कि चलो अपने परिवार का ही एक आदमी है और उसके रगों में उसका खून है उसका अंदाजा तो हमें इस बात से लग जाता है जब वो बज्जात औरत कहकर हाथ उठाने चलता है हमारे जना के ऊपर। तो शायद से इस बंदे ने इसीलिए इन लोगों को वार्न किया था सरगटे के बारे में कि भाई ये लोग जो है उसके पीछे पीछे जाएंगे उसके अड्डे तक पहुंच जाएंगे वहां तक जाने का कुछ रास्ता वगैरह निकालेंगे और आफ्टर दैट जब वो लोग उस सरगटे को मार देते हैं तो हम देखते हैं कि कोई बंदा जो है जिस लार्वा में सरगटा डूब के मरा था उसी लार्वा को एक लोटे में भर के लाया गया है जिसमें सरगटे की कुछ रूह टाइप में है एंड अक्षय कुमार उसे हील कर लेते हैं और उसके बाद उस बंदे के अंदर पावर आ जाती है इतनी
ज्यादा मात्रा में कि भाई मतलब वो अब बंदा कहीं भी रुक ही नहीं सकता। एक चीज और गौर करने वाली है कि जिस लार्वा में डूब के सरकटा मरा था, अब वो लार्वा की आग जैसी पावर भी अक्षय कुमार की बॉडी में आ चुकी है। आई मीन कि वो रेडिश कलर का कुछ दिखता है एंड वो जिस तरह से उसे एक्सेप्ट कर रहा था, उसे लगता है देख के कि भाई ये बंदा इंतजार ही कर रहा था इस पावर का। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इस कैरेक्टर को ये लोटा भर के लार्वा दिया किसने? आई मीन कौन गया था उस जगह तक? क्या भेड़िए का काम है या फिर किसी दूसरे का? क्योंकि हमने वहां पर सिर्फ तीन लोगों को देखा है, स्त्री को, स्त्री की बिटिया को, राजकुमार राव। चार और हैं क्या? एक्चुअली मैं उन दोनों को मैं एक ही मानता हूँ, दो जिसमें मतलब एक जान ऐसा कुछ हो चुके हैं एंड भेड़िया भाई साहब, भेड़िया तो हरगिज ऐसा कुछ करेगा नहीं, उसे करना होता तो उन लोगों का वो साथ ही क्यों देता, वो ऐसा कुछ बंदा है नहीं। मुझे सबसे बड़ा डाउट होता है ये काम करने के पीछे अपना वो हरामखोर मुंजा हो सकता है। तुम्हें याद होगा कि किस तरह से ना वो नर के अंदर आता है ना नारी के अंदर, वो भी एक प्रकार का ब्रह्म राक्षस ही है। तो ऑफकोर्स वो सरकटे की उस जगह पे पहुंच सकता है एंड वो चाहे तो गलत छुप भी सकता है, बहुत ही हरामखोर आदमी है। पर सबसे बड़ी बात यह कि उसका क्या फायदा? तो भाई सिंपल सी बात है कि उसे बिट्टू से बदला लेना है, क्योंकि बिट्टू ने उसकी जो है लंका लगाई है एंड मुंजा ने शायद इस बंदे की हेल्प करी हो ताकि दोनों मिलके ये बंदा अपना जो है चंदेरी के लोगों से बदला लेगा आगे चल के एंड वो जो है बिट्टू से बदला लेगा एंड हो सकता है कि इसी वजह से मुंजा इन लोगों से कनेक्ट हो जाए और आने वाले पार्ट में तभी हमें जो है मुंजा का बिट्टू और हमारे जो भेड़िया भाई साहब हैं, हमारे जो चंदेरी का रक्षक हमारे राजकुमार राव साहब हैं यानी कि बिक्की बाबू, और स्त्री और उनकी बेटी, सारे लोग एक टीम में हो जाएं, क्योंकि ऑफकोर्स इन्हें होना ही पड़ेगा। एंड इस चीज से ये अंदाजा लगता है कि अक्षय कुमार एक्चुअली में इस यूनिवर्स के सबसे बड़े थैनोस होने वाले हैं। सबसे बड़े क्या होता है, थैनोस ही। खैर तुम्हारा इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है, इन थ्योरीज के बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इन पे और भी डिस्कशन होंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।